नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन को लेकर लगातार लोगों का फोन कॉल आया और लोग काफी चिंतित हैं। कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो एक यहां पर प्रेडिक्शन बनता भी है कि क्या भारत में फिर से एक लॉकडाउन लगने वाला है। आइए हम इसको समझते हैं। पिछले बार जो लॉकडाउन लगा था वो किन किन परिस्थितियों में लॉकडाउन लगा था जरा समझिएगा। पिछले एक साल लगभग होने वाले हैं लॉकडाउन को लगे हुए। लॉकडाउन पिछले बार 24 मार्च को लगा था और उस समय ग्रहों की जो स्थिति थी उसमें केतु और बृहस्पति का संयोग बना था, साथ में मंगल अपनी उच्च राशि में शनि के साथ था। और इसके अलावा जो हमारे भारत की जो लगन कुंडली बनती है, वृषभ लगन की कुंडली बनती है, उसके रिस्पेक्ट में ये हमारे जो लग्नेश थे वो द्वादश में चले गए थे। तो ये सब कुछ ऐसी कंडीशन बनी थी जिसको रिसर्च में मैंने पाया कि अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो किसी प्रकार की एक प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बन जाती है। विशेष रूप से गुरु केतु का एक साथ होना और शनि मंगल का एक साथ होना एक बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का संकेत पूर्व ही कर देता है। अब क्वेश्चन आते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इस मार्च में, अब ये मार्च का मंथ स्टार्ट हो रहा है, 12 दिन के बाद पूरे लॉकडाउन को एक साल हो जाएंगे, तो क्या पुनः लॉकडाउन लगेगा? तो कहा जाए तो इसकी शुरुआत तो ऑलरेडी पुणे में, यहाँ नागपुर में ऑलरेडी हो चुकी है, मुंबई में, नागपुर में ऑलरेडी ये हो चुका है। अब नागपुर में यानी महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, तो क्या ये धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में लगेगा या पूरे भारत में इसका लगेगा, इस पर हम प्रेडिक्शन देखते हैं। देखिए, अभी भी जो गोचर चल रहा है इसमें बृहस्पति देव जब तक मीन में रहेंगे तब तक परेशानियां उत्पन्न होंगी और मीन में ये 14 तारीख को मीन में इनका राशि परिवर्तन होगा और 3 जून तक का जो टाइम है, 2 जून तक का टाइम है जब तक मंगल अपने लगन से तृतीय मिथुन में चले जाएंगे, लगन से ना कह के कहूँ मिथुन में जब ये चले जाएंगे, ऐसा कंडीशन अभी पुनः एक बार बन रहा है। लेकिन लॉकडाउन मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब उस लेवल का लॉकडाउन नहीं होगा। ऑलरेडी वी हैव गॉट द वैक्सीनेशन और मैक्सिमम पीपल आर ऑल्सो गेटिंग द वैक्सीनेशन, तो ऐसा नहीं है कि ये एक उस तरीके का लॉकडाउन होगा जैसे पहले हो रहा था। हाँ, निश्चित रूप से इसमें आप भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ये कुछ हम लोग की भी लापरवाही इस समय है कि विदाउट मास्क पहने हुए हम एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को भी देखा जाए थोड़ा सा लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उनके माइंड में ये आ चुका है कि ऑलरेडी कोविड की वैक्सीनेशन के लिए ऑलरेडी व्यवस्था हो चुकी है, इसलिए केस देखा जाए टेक्निकली तो बढ़ रहे हैं। बट एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो जब तक शनि के साथ बृहस्पति देव रहेंगे अर्थात 4 अप्रैल तक जब तक ये रहेंगे तब तक परेशानियाँ हो सकती हैं। कुछ और प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगेगा, नाइट कर्फ्यू लगना तो आप मान लीजिए तय है, होने वाला है मुंबई में, इसको भी आप नोट कर लीजिए, नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन पूरे तरीके का लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं और इन केसेस का गिरावट स्तर भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एक प्रकार से जब कोई महामारी जाती है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत चली जाती है, वो एक प्रकार से उसका वेव चलता रहता है, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, और उसके बाद धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो शनि के साथ बृहस्पति की युति जो बन रही है वो 6 अप्रैल तक रहेगी। 6 अप्रैल को बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे लेकिन वो शनि की राशि में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार से शनि के साथ उनका कंजुगेशन अभी भी लगभग बना रहेगा, लेकिन जैसे ही ये शनि की राशि को छोड़ेंगे उसके बाद पूर्ण रूप से इस महामारी को कहा जाए ये लगभग ख़त्म हो जाएगा। उस समय तक भी मैं देख रहा हूँ वैक्सीनेटेड लोग भी ज़्यादा हो जाएंगे जिनको वैक्सीन लग जाएगी और ये लॉकडाउन, अभी पूर्ण रूप से लॉकडाउन किसी भी कंडीशन में नहीं लगने वाला है। आंशिक लॉकडाउन
स्टेट जो राज्य सरकार है वो कुछ अपने लॉकडाउन को ये लगा सकती है, लेकिन ये इसका जो प्रभाव है वो मुंबई में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, मुंबई में लॉकडाउन लग सकता है जैसे मैंने देखा है। और ऐसी गणना, लॉकडाउन की जो गणना होती है या किसी प्रकार के निगेटिव चीज़ों की जो गणना होती है देश के लिए राज्य के लिए, वो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से निकालना ज़्यादा अच्छा होता है, वैदिक से निकालना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर मेदिनी एस्ट्रोलॉजी का आप सहारा लीजिए, और मेदिनी एस्ट्रोलॉजी की सहायता से मैं चेक कर रहा हूँ, और जो वर्ष लगन की कुंडली बन रही है उसमें भी कुछ परेशानी ज़रूर है, लेकिन ये परेशानी अब मेजर नहीं होने वाला है। एक चीज़ तो आप ये मान के चलिए कि लॉकडाउन पूर्ण तरीके का लॉकडाउन नहीं लगेगा, आंशिक लॉकडाउन लग सकता है, और ये लगाना अगर डिसीज़न कोई गवर्नमेंट कर रही है, कोई राज्य सरकार कर रही है, तो ये एक अच्छा इनिशिएशन होगा, क्योंकि लोग थोड़े से लापरवाह ज़रूर इस समय हो रहे हैं। और मैं तो लगातार अभी ट्रैवलिंग पे भी गया था, दिल्ली में भी था, मुंबई में भी था, पुणे, अहमदाबाद, हर जगह मैं ट्रैवल किया हूँ, और मेरी टीम भी साथ में थी, तो हम लोगों ने बहुत इसका ध्यान दिया, मास्क का भी ध्यान दिया, और साथ में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरे तरीके से ध्यान दिया। लेकिन फिर भी जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया है ट्रैवलिंग के थ्रू, इवन आई एम इन ट्रैवलिंग ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम टुमारो ऑल्सो, मैं भुवनेश्वर में अवेलेबल रहूँगा 14 को होटल एम्पायर में, कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो दे कैन गेट अपॉइंटमेंट थ्रू आवर व्हाट्सएप नंबर 9818318303। तो पीपल आर नाउ अ डेज फीलिंग दैट कोरोना हैज़ बीन फिनिश्ड, बट ये एक बीमारी है, इसको अभी भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और जब तक ये इसका वैक्सीन आप लगवा ना लें तब तक आपको पूरे रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक प्रकार से आंशिक रूप से लॉकडाउन लगने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, और मुंबई में ही लगेगा जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ, ये साउथ में ही ज़्यादा, वेस्ट में, साउथ में ही ज़्यादा ये प्रभाव करेगा, इसका प्रभाव नॉर्थ में ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा नहीं होगा, दिल्ली में कहा जाए तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन रिगार्डिंग लॉकडाउन। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए।